नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र जो 8 तारीख को सैनिक स्कूल से लापता हो गया था, वो मिल गया है। सैनिक स्कूल के छात्र रोहित के मिलने से तमाम लोगों ने ली राहत की सांस। फिर चाहे वो स्कूल का प्रबंधन हो या फिर उनके परिवार के लोगों या फिर पुलिस प्रशासन, जिस तरीके से रोहित 8 तारीख से लापता था, सबसे बड़ी बात यह थी कि रोहित के पिता 8 तारीख को उसको सैनिक स्कूल में छोड़कर गए। उसके पास 4 भारी भरकम बैग भी थे, लेकिन रात को जब छात्रों की गिनती वार्डन ने की तो उसमें रोहित नजर नहीं आया, जिसको लेकर तत्काल ही सैनिक स्कूल प्रबंधन ने इस बात की जानकारी रोहित के पिता को दी। रोहित के पिता सैनिक स्कूल पहुंचते हैं, फिर प्रारंभ होता है रोहित को ढूंढने का सिलसिला। रीवा के विश्वविद्यालय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, रोहित को सभी जगह तलाशा जाता है। जब पुलिस 9 तारीख को रोहित के कमरे की तलाशी लेती है तो वहां से उसके बिस्तर के नीचे से तकिए के पास एक सुसाइड लेटर मिलता है, जिसको लेकर तमाम लोग भौचक्के रह जाते हैं कि रोहित ने क्या आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लिया। सैनिक स्कूल कक्षा 10 का छात्र, उसको लेकर एक बार फिर से रोहित को नए सिरे से ढूंढने का अभियान प्रारंभ होता है। एनडीआरएफ की टीम सैनिक स्कूल परिसर के पास ही बहने वाली बीहर नदी में पहुंचती है। वहां पर काफ़ी देर तक रोहित को तलाश किया जाता है, लेकिन रोहित को नहीं मिलना था, वो नहीं मिलता क्योंकि वो सकुशल था। रोहित पत्र लिखने के बाद सीधे रीवा से दिल्ली चला जाता है। दिल्ली पहुंचते ही उसके दिमाग में वापस घर आने की बात एक बार फिर से उठती है। ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। रोहित वापस रीवा लौटता है। रीवा रेलवे स्टेशन या सतना रेलवे स्टेशन में रोहित के जूनियर छात्र रोहित को देखते हैं। तब तक टीवी चैनल्स के माध्यम से पूरे देश में ये बात फैल चुकी होती है कि सैनिक स्कूल रीवा का एक छात्र लापता है, उसका नाम रोहित है। इस बात की जानकारी रोहित के जूनियर्स को भी होती है। वो रोहित को देखते हैं, रोहित का वीडियो बनाते हैं, स्कूल प्रबंधन को भेजते हैं। रोहित को रीवा रेलवे स्टेशन में देखने के बाद इस बात की जानकारी जैसे ही स्कूल प्रबंधन को होती है, स्कूल प्रबंधन इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। तमाम लोग चल देते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। रोहित को रीवा बस स्टैंड के पास स्कूल प्रबंधन देखता है, अपने साथ लेकर आता है। उसी दौरान पुलिस भी पहुंच जाती है। रोहित को विश्वविद्यालय थाने में लाया जाता है, न्यायालय में पेश किया जाता है। उसके बाद रोहित के पिता को सुपुर्द कर दिया जाता है। तमाम पूछताछ में पुलिस के द्वारा जो बात जानकारी निकल कर आती है वो काफी चौंकाने वाली है, जिसे आज के हर पेरेंट्स को जानना चाहिए। रोहित सैनिक स्कूल में पढ़ा करता है। वहां पर अगर बात की जाए वर्तमान की, तो उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाइस उपेंद्र द्विवेदी या फिर वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, सबका नाता इसी सैनिक स्कूल से, इसी रीवा से। रोहित भी कुछ ऐसा बनना चाहता था, लेकिन उसकी बोलने की जो भी बात थी, जिस तरीके से वो बोला करता था, उसको लेकर रोहित थोड़ा सा चिंतित रहता था। उसको लगता था क्या वो इस मुकाम में पहुंच जाएगा, जिसके चलते उसको शायद गिल्टी फील हुई और वो पत्र लिखकर इस तरीके से सैनिक स्कूल छोड़कर चला गया। हालांकि अब चारों तरफ, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो या रोहित के परिजन में हो या सैनिक स्कूल प्रबंधन में हो, खुशी का माहौल है, सब ने राहत की सांस ली। लेकिन जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम आज बीहर नदी में उतरी, तमाम जगह रोहित को ना ढूंढने के बाद तमाम तरीके की आशंकाओं ने जन्म लिया था, वो सारी आशंकाएँ निर्मूल साबित हुई। इस बारे में हमने विश्वविद्यालय थाना प्रभारी वर्षा सोनकर से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। मैम, ये सैनिक स्कूल के बालक का क्या है मामला? ये हमारे पास कल सुबह एक सूचना आई थी, श्री परसों शाम को उनके पेरेंट्स को ये पता चला था कि बच्चे को उन्होंने ड्रॉप किया था विंटर वेकेशंस के बाद।
उसके बाद जैसे ही बच्चे को ड्रॉप किया था तो उनके पेरेंट्स उनको 2 बजे छोड़ के गए हैं, और शाम के जब लंच बच्चे ने लिया है उसके बाद जब शाम का डिनर का रोल कॉल होता है तो बच्चा उसमें नहीं आता है। उसके बाद से रेगुलर उनके प्रमाइसेस में सबने चेक किया है, फिर थाने में भी हम लोगों को सूचना दी थी जिस पर से हमने वर्क किया है। कुछ हमने उसके अलमारीज़ में और सारे जहाँ बुक्स रखी है वहाँ सर्चिंग करी थी, उससे कुछ लिखा था, कहीं जाने का लिख दिया था कि शायद उसको स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है, पेरेंट्स के पास रहना चाहता है या कहीं जाना चाहता है। इस उद्देश्य से फिर वो बच्चा निकल गया था। आज हमें सकुशल वो बच्चा मिला है। पूछताछ में हमें ये जानकारी में आया है कि बच्चा यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ गया था, फिर वहाँ से वो दिल्ली चला गया था, वापस भी वो खुद आ गया, उसे घर की याद आई तो वो वापस भी आ गया है, और अभी बच्चा सेफ साइड है और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया, जो कि सभी लोग यहीं पर थे तो उनके सुपुर्दगी में दिया गया है। और बच्चा थोड़ा सा एक्चुअली स्टैमरिंग करता है, तो उसे थोड़ा इशू है कि शायद मैं इससे परेशान रहता हूँ, तो उनके पेरेंट्स से भी बात करी है, कुछ काउंसलिंग के लिए बताया गया है, और जो आगे मदद होगी हमारे द्वारा की जाएगी। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।